الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قابل القدر سري الإجلاس حضرت مولانا مفتی کریم صاحب تشہادی استاد حدیث جامعہ اشرف الملوک اکتر کوا مہاراشتر اسٹیج پر اور نیچے بیٹھے حضرات علماء کرام وفات اعزام پردے میں بیٹھ کر دین کی باتوں کو سننے والی پیاری ماں اور بہنوں عزیز بچوں اور اس ہندوستان کے غیور نوجوان اللہ کا فضل ہے اس زمین نوبہ پرواز میں کہ اللہ تعالی ایسے ایسے اشخاص کو بھیج دیا کرتے ہیں جس کے ذریعے سے دین کی باتیں ہم سب کو سننے کا اور کہنے کا موقع مل جاتا ہے اور جب تک دین کی باتیں سننے کا اور سنانے کا کام جاری رہے گا اس وقت تک ہمارا ایمان مضبوط تر ہوتا جائے گا اور جب ایمان مضبوط ہوگا تو عمل کرنا آسان ہوگا اور جب ایمان کمزور ہوگا تو عمل سے دوری ہوگی اور جب عمل سے دوری ہوگی تو انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا چلا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین پر جب دنیا کو انسانوں سے آباد فرمایا سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنی قدرت سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام جنت میں تھے دل نہیں لگ رہا تھا تو اللہ نے اپنی قدرت سے اما ہوا کو پیدا کیا سے پیدا کیا جب آدم علیہ السلام کی آنکھ کھلی تو دیکھتے ہیں کہ یہ پردے کے ساتھ حسین خوبصورت عورت موجود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آدم ہم تمہارے لیے پیدا کیا ہے تمہیں دل نہیں لگ رہا تھا مر نہیں لگ رہا تھا آدم علیہ السلام جو انسانی قدرت ہے ہاتھوں کو بڑھایا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آدم ٹھہر جا جب تک وہ حق مہر ادا نہ کر دے گا اس وقت تک ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے والے تعالیٰ حق مہر کیا ہوگا آج تو ہر مہر سونا ہوا کرتا ہے چاندی ہوا کرتی ہے زمینات ہوا کرتے ہیں مکانات ہوا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آخری نبی محمد عربی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ دے حدیثوں کے اندر آیا 30 مرتبہ 40 مرتبہ درود شریف پڑھ دے یہی حق مہر ہوگا میں آپ کے ذہن کو
हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, हुजूर अकरम का शान, हुजूर का मकाम, हुजूर का मर्तबा मैं बताना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने क्या शान अता फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने क्या मकाम अता फरमाया। अल्लाह ने फरमाया हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के अंदर पैदा न करना होगा। ये जमीन, ये चांद, ये सूरज, ये सितारे, ये सितारे, ये जमीने कुछ भी न होती तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया के अंदर न आते, नहीं आए। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो आए हैं, आदम के सलात व सलाम के नस्ल से आए हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जन्नत में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शान और मकाम बताना चाहता है। आदम अलैहि सलात व सलाम का आखिरी वक्त है, शीश अलैहि सलात व सलाम को बुलाते हैं और फरमाते हैं कि बेटे मैं जन्नत के अंदर रहकर आया हूँ, जन्नत के हर फूल पर, जन्नत के हर दरख्त के पत्ते पर, जन्नत के हर बोर के रुखसारों पर, यहाँ तक के अर्श के पाए पर, हाथ के गेट पर मैंने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम देखा है। तुम भी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद शरीफ पढ़ना। अगर तुम मोहम्मद अरबी पर दरूद शरीफ का नजराना पेश करोगे, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा मकाम बुलंद करेगा, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारा शान को बुलंद करेगा। आज भी जरूरत इस बात की है कि आज मोहम्मद जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किस हाल में छोड़ा था और आज हम किधर को जा रहे हैं, आज हम किधर को जा रहे हैं। हजरत मौलाना निजामुद्दीन साहब शाकी नफजुल आलम ने पहले फरमाया कि इजलास इस्लाह माशरा की बुनियाद पर मुनक़िद की गई है। मैं इस्लाह माशरा का बेटा हूँ, इस्लाह माशरा के जो नाजिम जो खातिम रह चुके 14 साल हजरत मौलाना हुसैन अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह जो अल्लाह के प्यारे हो गए, आप फरमाए कि मेरे वाले साहब कब को अल्लाह ताला नूर से भर दे, जन्नत फिरदौस में मेरे आका फरमाए। उन्होंने 14 साल तक मुसलसल खान का रहमानी के पैगाम पर ऑल इंडिया मुस्लिम रसूल अबोर्ड के पैगाम पर चप्पा चप्पा, कोना कोना, महल्ला महल्ला, कस्बा कस्बा, शहर शहर इस्लाम माशरा के पैगाम को फैलाया। अल्लाह ताला उनका खिदमत को कबूल फरमाए। आज दोस्तों ने सुनो, मैं आपके जहन को इधर से उठाकर मक्का की सरजमीन पे ले जाना चाहता हूँ। जब अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का की सरजमीन पर पैदा फरमाया, उस वक्त पैदा फरमाया जबकि पूरा पूरा मक्का की सरजमीन कुफ्र और शिर्क से आबाद थी, कुफ्र और शिर्क से आबाद थी। शराब का पीना आम था, जिना आम था, यहाँ तक के कोई खूबसूरत औरत से कोई इंसान निकाह करता, घर के अंदर रखता, उसे इज्जत नहीं देता। जब मालूम होता इससे भी हसीन और खूबसूरत औरत फला जगह है, उस
आती है। एक मरतबे का वाक्य है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आने में ताखीर हो गई, देर हो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फातिमा रज़ी अल्लाह तआला खिदमत में आई, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि फातिमा आज क्या बात है कि तुम ताखीर से आई, तुम ताखीर से आई। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाई कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके दामाद मुझसे नाराज हो गए थे, मैं अपने शौहर को नासी करने में लग गई थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर सुर्ख हो गया और फरमाया कि फातिमा क्या तुम्हारे शौहर तुमसे नासी हो गए? ये नहीं फरमाया अच्छा मैं रसूलुल्लाह का दामाद मुझ मेरी बेटी से नाराज की हो गई, नहीं फरमाया। अल्लाह के रसूल फरमाया ऐ फातिमा सुन लो, अगर तुम्हारा शौहर तुमसे नाराज हो गया तुम जन्नत की खातिमों की सरदार जरूर तुम्हें बनाया जाएगा, लेकिन अगर तुम्हारा शौहर तुमसे नाराज होकर दुनिया से चला गया तो तुम जन्नत को जन्नतों की बात, जन्नत के औरतों का सरदार बनना दूर की बात, जन्नत की खुशबू भी तुम नहीं चेज दे। तुम जाओ और शुक्राने की दो रकात नमाज अदा करो, तुम जाओ शुक्राने की दो रकात नमाज अदा करो। आज माँ बहने घरों के अंदर खटपट हो जाया करती है, थोड़ी सी नमक मिर्च हो गई या थोड़ी सी कमी मिर्ची हो गई, ये हमारे नौजवान भी अजीब अजीब है। रात को आया टॉनिक पीकर या आप कुछ खाकर नशे की हालत में है, अब घर के अंदर कोहराम मच गया, घर के अंदर जलजला आ गया। आज दोस्तों मजनू को चप्पा चप्पा गली गली कोचा कोचा महल्ला महल्ला मस्जिद मस्जिद तो ये दीन की आवाज़ों को उठाने वाला ये अपना इकराम वो उठा रहे हैं। कोशिश इस बात की है आज हमारा माशरा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाई हुई तालीमात पर अमल करने वाला हो जाए। आज नौजवानों की जिंदगी में सुन्नत आ जाए, आज नौजवानों की जिंदगी में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात आ जाए। आज दोस्तों बुजुर्गों आज हमारा क्या हाल है, जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की सरजमीन पर है और लोगों को कामयाब हो जाओ, जिन्होंने लोगों तमाम मक्का में इकट्ठा फरमाया और फरमाया कि लोगों अगर मैं एक
बैठना